2 मिनट बाद किसी भी वक्त बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी धर्मशाला में। बोर्ड प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और बोर्ड के सचिव अजय शिर्के आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि भारत के अगले कोच कौन है। लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कोच अनिल कुंबले होंगे, वो तय है, उन पर मोहर लगना। लेकिन दूसरा जो एक फॉर्मूला और निकला है जिसके इम्कान बहुत ज्यादा है, जो शायद पता चल जाएगा कि सही है या नहीं, वो है कि रवि शास्त्री को भी रखा जाएगा लेकिन बतौर बैटिंग कोच रखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिलहाल आज दिन भर चली मीटिंगों में निकला है। इस वक्त अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं धर्मशाला में। मेरे साथ दो मेहमान हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन है और चेतन चौहान है। आप जानते हैं कि कप्तान रह चुके हैं अजहर भाई और चेतन जी ने ना सिर्फ खेल के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर, बल्कि सिलेक्टर और मैनेजर के तौर पर भी कई साल बिताए हैं। तो आज भारतीय क्रिकेट का अहम दिन है क्योंकि आप 2019 वर्ल्ड कप तक आपकी नजर है और 2019 वर्ल्ड कप में कोच कौन होगा वो आज पता चलेगा। अनिल कुंबले कोच सही है, सब में डिजर्विंग कैंडिडेट है। जितने भी अगर आप कैंडिडेट अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ सब में डिजर्विंग कैंडिडेट वही है। तो जहां तक मैं समझता हूँ यहाँ पे, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट हुआ होगा उनके अगेंस्ट में। ठीक है, जो फॉर्मेलिटी जो बोर्ड को करनी थी वो उन्होंने कर दी, बट लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एकदम ये मैं कभी सोचा भी नहीं था कि अनिल कुंबले इस फ्रेम में आएंगे बोल के, बट लेकिन एकदम इट वॉज बहुत सरप्राइजिंग था। बट लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन टीम के लिए। अनिल कुंबले कोच होंगे आपने कहा, बहुत अच्छा, और आप 2-3 दिन से कह भी रहे हैं। अब दूसरा फॉर्मूला जो निकल रहा है जिस पर शायद मोहर अब से कुछ मिनट बाद लग जाए कि रवि शास्त्री बैटिंग कोच। अब रवि शास्त्री पिछले 20 महीने में टीम के मालिक थे, उन्होंने हेड कोच के लिए अप्लाई किया था, और क्या ये फॉर्मूला सही है कि अनिल कुंबले हेड कोच हो और रवि शास्त्री बैटिंग कोच हो? मेरे हिसाब में तो बिल्कुल ये फॉर्मूला नहीं सही है जहां तक मैं सुनता हूँ, क्योंकि रवि शास्त्री एक अलग टाइप के आदमी और अनिल कुंबले एक अलग टाइप के आदमी है। बट लेकिन पता नहीं अब बोर्ड ने जब डिसीजन लिया है तो मेरे हिसाब से मैंने समझता हूँ कि एक आदमी जब ऑलरेडी डायरेक्टर होता है वो कोच पूरा होके उसके बाद में नीचे आके एक बैटिंग कोच बनना, ये मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। क्योंकि अगर होना तो उसको ही उनको ही बना देते थे एज ए बैटिंग कोच और डायरेक्टर भी, या जो मेन कोच होते हैं उनको ही बनाना चाहिए था, इसलिए अनिल को नहीं बनाना चाहिए था। बट लेकिन ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुझे बैटलिंग है, पता नहीं क्या। चेतन जी देखिए, मेरे विचार में थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, हेड शेफ एक होता है, सर्जन हमेशा को जो ऑपरेशन करता है वो एक होता है, उसी प्रकार से कोच भी एक ही होना चाहिए, मेन कोच जो है वो एक ही होना चाहिए। अच्छा, और वो भी अगर बराबर के लगभग खैर बराबर के तो नहीं है, अनिल कुंबले तो काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे अजहर ने कहा बिल्कुल ठीक है कि रवि शास्त्री बहुत दिनों से अकेले कोच हैं, कोच मैनेजर सब कुछ, मोटिवेटर सब कुछ वही है, और एकदम से आप नंबर 2 पोजीशन पे आ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा पता नहीं दोनों के ये कॉम्प्रोमाइज प्लेयर्स का भी रेस्पेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना सर, क्योंकि एक प्लेयर एक तरह से देख रहे थे कि आप एकदम उसमें लंबे बड़े कोच है, डायरेक्टर है, उसके बाद एकदम आप बैटिंग कोच बन जाते तो फिर प्लेयर्स में भी थोड़ी हलचल हो जाती। तो आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है ये? हो सकता है किसी को नाराज ना किया जाए। नहीं, ऐसा अगर होगा तो मैंने समझता हूँ ये सही, अगर किसी को नाराज, जो डिजर्विंग है उनको रखना चाहिए। तो डिजर्विंग में प्रवीण आमरे भी गए थे, वही तो कह रहे थे उनको बैटिंग कोच होना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ, अगर आप एक आदमी को अगर आप वो एक पोजीशन से आप उसको नीचे ले आते तो मुझे समझ में आ रहा है वो आदमी कैसे एक्सेप्ट करेगा। नहीं नहीं, फील्डिंग कोच की जगह खाली है, बॉलिंग कोच की भी है, बॉलिंग कोच की, बॉलिंग की, फील्डिंग कोच में मैं भी चला। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, हालांकि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी, 5 बज गए, यानी कि किसी भी वक्त धर्मशाला हम आपको लाइव लेकर जाएंगे। अनुराग ठाकुर बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड के सचिव अजय शिर्के, ये दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिन भर मीटिंग्स चली हैं, आपको पता ही है कि 3 सदस्यों की क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल था जिसने ये तय किया था कि कोच अनिल कुंबले होंगे, और शायद ये आगे उन्होंने रिकमेंडेशन जब बोर्ड को दी तो बोर्ड ने एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला लगता है कि निकाला है जिसमें रवि शास्त्री, जिन्होंने 20 महीने इस टीम के साथ काम किया है, रवि शास्त्री ने 20 महीने इस टीम के साथ काम किया है, अनिल कुंबले को कोचिंग का तजुर्बा नहीं था, तो शायद ये बीच का एक फॉर्मूला हो सकता है जिसमें अनिल कुंबले हेड कोच हो और रवि शास्त्री बैटिंग कोच हो। आपने कहा कि रवि शास्त्री सीनियर खिलाड़ी भी रहे हैं और 20 महीने टीम के साथ भी रहे, जब बोर्ड को उनकी जरूरत थी उन्होंने बोर्ड के लिए अपनी कॉमेंट्री छोड़ी और वो कोच बन गए, बैट्समैन तो थे नहीं, हालांकि ठीक है 11 नंबर से शुरू होते होते उन्होंने ओपन किया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर डबल सेंचुरी लगाई, बैटिंग की, लेकिन क्या वो स्पिनर ज्यादा बेहतर थे या बल्लेबाज ज्यादा बेहतर थे?
नहीं देखिए ऑलराउंडर तो थे दोनों भी, आई मीन थोड़ा बहुत उन्होंने अच्छा, ऐसा नहीं कि उनका परफॉर्मेंस आप मना नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस तो उनका जो भी जितना भी उनका लिमिटेड टैलेंट था उसके हिसाब से मैंने समझा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बट लेकिन आप जहाँ तक कि आप ये कह रहे थे कि कुंबले को अगर मैं कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, बट लेकिन देखिए जब एक प्लेयर इतना ज़्यादा खेलता है तो उसमें कोचिंग की क्या क्या एक्सपीरियंस है उसका, जो 140 मैच ऑलरेडी 30 मैच के ऊपर आप टेस्ट मैच खेले, 200 250 300 के ऊपर उसका वो कोचिंग के उसका एक्सपीरियंस, तो वो जो भी खेला है वो एक्सपीरियंस बिल्कुल लगा जो बताएगा 100%। मेरे ख्याल में बहुत से लोग उनसे बात भी करते होंगे, बहुत से बॉलर जो खेल रहे हैं मेरे ख्याल में अश्विन वो लोग ऑलरेडी उनसे बात भी किए होंगे, आई मीन नॉट एज ऑन ऑफिशियली अनऑफिशियली तो बात किए होंगे। बट लेकिन देखिए जहाँ तक के मैं समझता हूँ अगर जब आप शास्त्री को, अगर आप रवि शास्त्री को आप जब डायरेक्टर बनाए थे वहाँ पर, जब आप बांगर को बैटिंग कोच बनाए, जब वहाँ पर आप बांगर को बैटिंग कोच नहीं बनाना चाहिए, जब आप बोर्ड समझता था कि वहाँ पर अगर वो ही करते तो वो बैटिंग कोच भी बन सकते, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जब आपके जो कोचिंग में और बैटिंग में और उसमें। तो जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि फिर बैटिंग कोच की तो जरूरत ही नहीं थी सर उस दिन, अगर आप अगर उनको बना रहे अगर बैटिंग कोच तो उस वक्त भी जब वो डायरेक्टर थे वो एज ए बैटिंग कोच और डायरेक्टर भी बन सकते थे, तो वहाँ पे पता नहीं बांगर को किस हिसाब से बैटिंग कोच बनाया मुझे समझ नहीं आता, वो हार्डली 3-4 या 5 मैच भी खेले थे। ठीक है सर, ड्यू रेस्पेक्ट, एक टेस्ट प्लेयर होता है, एबिलिटी भी होना चाहिए बताने के लिए इंसान को। 7 कंटेंडर्स थे आप जानते हैं कि 21 तारीख को इंटरव्यूज हुई थी, 7 थे, 7 में कौन कौन थे, 7 में 3 विदेशी थे, टॉम मूडी थे, स्टुअर्ट लॉ थे और एंडी मोल्स थे जिन्होंने इंग्लैंड के साथ काम किया है, उसके अलावा 4 देसी जो कि अपने आप में पहले खिलाड़ी थे फिर वो कोच के उम्मीदवार बने, अनिल कुंबले थे, रवि शास्त्री, प्रवीण आमरे और लालचंद राजपूत, और लालचंद राजपूत को शायद अफगानिस्तान का कोच बनाया जाएगा तो वो दौड़ से बाहर हो जाते हैं, लगता यही है कि विदेशी जो 3 थे वो भी दौड़ से बाहर है। तो उसके बाद प्रवीण आमरे ये सोचा जा रहा था कि शायद बैटिंग कोच होंगे, रवि शास्त्री और कुंबले में से एक कोच होगा, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बोर्ड ने इन दोनों के तजुर्बे को एक साथ इस्तेमाल करने के बारे में सोचा हो, हालांकि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ ही आपने सुना भी होगा। तो अनिल कुंबले हेड कोच और रवि शास्त्री बैटिंग कोच, फिलहाल इम्कान इसी बात को लेकर हैं चेतन जी। देखिए मेरा तो सवाल ही कुछ और है और मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन ही कुछ और है, बिल्कुल अलग है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। देखिए जो प्लेयर अनिल कुंबले के अधीन खेले हैं वो कोच सेलेक्ट कर रहे हैं, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अनिल कुंबले के अधीन खेले हैं सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और साथ में सचिन तेंदुलकर, सचिन की कप्तानी में भी खेले और उसके बाद फिर ये जरा सा मेरे को फिर क्या हो जाता है वो जो हम बात जो कर रहे हैं कम्प्रोमाइज, नहीं सेंटीमेंट बात नहीं, मैं वो कम्प्रोमाइज की बात पे आ रहा हूँ कि फिर ये जो है ना फिर यहाँ पे जो है ना कम्प्रोमाइज जो है ये फिर ये कम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो इसीलिए आपको बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, ये एक कोच है, यही कोच है, ही इज द बेस्ट, ही इज द कोच, मैटर फिनिशेस, बात वहाँ खत्म होना चाहिए। आप ऐसे कंप्रोमाइज करेंगे ना फिर देखिए हमको कोई भी विवाद नहीं चाहिए, टीम के अंदर विवाद नहीं और खास करके कोचों के अंदर, मैं आपको बताऊं दो कप्तान दो कोच, हाँ टीम के साथ, हाँ वो जरा थोड़ा सा ना हम ये एकदम विचार करने वाली बात है इसके ऊपर कि आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं पर आगे पीछे जो है ना विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोचों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में ही अगर विवाद हो गया तो फिर जो है फिर प्लेयर के ऊपर भी संदेश जो है वो गलत जाता है, ड्रेसिंग रूम बढ़ता है क्या, हो सकता है आपके जमाने में तो एक ही कोच होते थे, मैंने हमारे जमाने हम तो एक ही कोच खेलते थे, एक ही होता था कोच, जो भी सीखे थे उनसे ही सीखते थे, जो भी वही बताते थे, बट लेकिन शायद अभी देखिए थिंग्स थोड़े डिफरेंट हो गए, चेंज हुए, तो प्लेयर्स अभी ज़्यादातर प्लेयर्स से भी कोचेज के बारे में पूछा जाता है, कि उस टाइम पर तो जब भी हम खेलते थे जो कोच जब बन के आता था हम उनको रेस्पेक्ट करते थे, उनके साथ ही खेलते थे, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है, मुझे थोड़ा सा फियर है कि आगे चल के ना कोई प्रॉब्लम हो। नहीं एक और सवाल मेरा ये है आप दोनों से है, एक जो आपकी टूर कमेटी होती है जो फाइनल 11 चुनती है उसमें कोच होता है, मैनेजर होता है, कप्तान और वाइस कैप्टन होता है, फर्ज कीजिए ये खबर सही है कि अनिल कुंबले कोच है और रवि शास्त्री बैटिंग कोच है और रवि शास्त्री यहाँ से यहाँ आएंगे जी, वो उस मीटिंग में नहीं बैठेंगे ना, नहीं पता नहीं है क्या उसमें क्या रूल्स है मुझे मालूम नहीं सर, तो आप तो थे सर वो मैनेजर थे तो आपको पता ज्यादा है, मैनेजर जो बैठता है मैनेजर कन्वेनर होता है, उनका भी वोट नहीं है, हाँ उनकी वोट नहीं होती, वो कन्वेन करता है उसके कमरे में या कहीं पर भी कन्वेन करता है वहाँ पर होते, और जो कमिटी जो होती है ज़्यादा करके कैप्टन वाइस कैप्टन और कोच,
हम लोग क्या करते हैं, कंसीडरिंग दी सीनियरिटी ऑफ सचिन तेंदुलकर और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उनको भी बुला लेते थे, वो भी आके अपना इनपुट देते थे। लेकिन जो सिलेक्शन कमिटी होती है टूर के ऊपर ऑन टूर, वो केवल कैप्टन, वाइस कैप्टन और कोच तीन की ही होती है। अगर रवि शास्त्री होते हैं तो वो उसमें नहीं बैठेंगे। सर सर एक चीज़ पूछा सर, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप मैनेजर, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर है समझे, ठीक है, अनिल कुंबले कोच है और रवि शास्त्री बैटिंग कोच है, तो वहाँ पे मैनेजर ठीक है कन्वेनर, तो मैनेजर तो बैठे उस पर, दो कोच दोनों जने बैठेंगे, कुंबले भी बैठेंगे, शास्त्री बैठेंगे या खाली ओनली कुंबले बैठेंगे? नहीं नहीं देखिए, जो कोच क्लैरिटी होना चाहिए। देखिए जो टूर कमेटी जो अभी तक परंपरा है उसमें एक ही आदमी बैठता है, वो खाली सिर्फ कोच बैठा है। रवि शास्त्री अगर बैटिंग कोच होते हैं तो उनका ज्यादा काम होगा, बल्लेबाजों को अगर कोई दिक्कत आ रही है वो देखी जाए। अब इंटरनेशनल खिलाड़ियों को टेक्निक तो अब सिखाते नहीं है, मेंटली और फिर ज्यादा है थ्रो डाउन्स, हजार गेंदे जो फेंकनी है नेट्स में वो फेंक सकेंगे हजार गेंदे नहीं, तो अभी तक बैटिंग कोच तो ये करते थे। तो आप करना, आप थोड़ा करना पड़ेगा अब आपको, कई बार तो टेनिस की गेंद से, टेनिस के रैकेट से या फिर सिर्फ ऐसे लेकर आपको थ्रो डाउन करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो करने पड़ेंगे, कंधे इतने मजबूत हैं उनके, वैसे कंधे हैं, बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। 20 महीने टीम की कोचिंग की है, लेकिन क्या इस काम के लिए वो कंधे ठीक है? नहीं नहीं, कंधे तो उनको ठीक करने पड़ेंगे, ठीक नहीं है तो करने पड़ेंगे उनको। अब जब आप असाइनमेंट ले रहे हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा। और वैसा ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस भी है रवि शास्त्री को, एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है उनको और वो इनपुट भी अपना दे सकते हैं प्लेयर्स को, और क्योंकि डायरेक्टर रहे तो उनका भी प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल सम्मान करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। चलिए, हमने 5 बजे सुना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अभी अभी मेरे सहयोगी रसेश मंदानी जो कि इस वक्त धर्मशाला में है, वो बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मिनट के बाद शुरू होगी। धर्मशाला में इंतजार चल रहा है क्योंकि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी बोर्ड प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और बोर्ड सचिव सेक्रेटरी अजय शिर्के की, और फॉर्मूला जो बनता जा रहा है कोच को लेकर वो ये है कि अनिल कुंबले हो सकते हैं हेड कोच, वो होंगे हेड कोच, लेकिन उसके अलावा एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है और उसमें यह है कि रवि शास्त्री को बैटिंग कोच बनाया जा सकता है। तमाम तरह की खबरें दिन भर से आ रही हैं, बीसीसीआई की मीटिंगें चल रही हैं धर्मशाला, हमने 5 बजे उम्मीद की थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अनिल कुंबले ये 10 विकेटें आपने देखी, 10 विकेट जब उन्होंने लिए थे कोटला के मैदान में लिए थे और अजहर भाई कप्तान थे, अनिल कुंबले का वो जबड़ा टूटा, उन्होंने पट्टी बांधी टेस्ट मैच में गेंद की, वो अनिल कुंबले थे। अनिल कुंबले इस वक्त भारत के हेड कोच बनने वाले हैं, आपको धर्मशाला लेकर चलेंगे, लेकिन हेड कोच अगर अनिल कुंबले होते हैं, और वही सवाल की बैटिंग कोच रवि शास्त्री, ये सही फार्मूला है 2019 वर्ल्ड कप के लिहाज से? पता नहीं, मैंने समझता हूँ ये सही फार्मूला है, क्योंकि अगर जब रवि शास्त्री इतने बड़े ओहदे पे थे, डायरेक्टर थे, उनके बाद में वो बैटिंग कोच बन रहे, तो मैं कॉम्बिनेशन मुझे जमेगा नहीं, नहीं मैं समझ जानता क्या, मैं समझता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा नहीं जमेगा। वो शख्सियतों के कारण या प्रोफाइल के लिहाज से? मे भी प्रोफाइल भी हो सकता है, क्लैश भी हो सकता है, पता नहीं, बिकॉज लिख सी दोनों भी एक अलग, अनिल कुंबले एक अलग टाइप के इंसान है। जो खबर आई थी उसके मुताबिक ये था, जो 3 लोगों की कमेटी थी उन्होंने अनिल कुंबले को कोच बनाने का प्रस्ताव दिया था। आपको लगता है कि रवि शास्त्री को जो अब अगर बैटिंग कोच बनाया जाता है तो इसमें कुछ खिलाड़ियों का और बीसीसीआई का रोल है कि चलो ठीक है सबको साथ लेकर चला जाए? देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे मैं पहले भी बोल चुका, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि कोच एक ही हो सकता है और दूसरे ठीक है असिस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन बराबर एक और कोच अगर होगा तो फिर थोड़ा सा समस्या भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। मैं सुझाव बोर्ड को दूंगा कि यदि रवि शास्त्री को एडजस्ट करना है तो उनको प्रोफेशनल मैनेजर बना देना चाहिए और उनको 1 साल के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंडिया, सुझाव इंडिया एक ही कंट्री है, मैं विक्रांत मेरे को ख़त्म करने दिए, इंडिया एक ही देश है जहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजर नहीं है, बाकी जितने भी देश हैं वो प्रोफेशनली खेलते हैं, सब जगह प्रोफेशनल कोच है और उसको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 1 साल का 2 साल का 3 साल का, और फिर वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है पूरे क्रिकेट को। चेतन जी ने सुझाव बहुत अच्छा दिया है, वाकई में बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि अगर आपने दोनों को इन्वॉल्व करना है तो अनिल कुंबले को अब हेड कोच बनाएं और रवि शास्त्री को प्रोफेशनल मैनेजर, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होते हैं, इंग्लैंड के साथ होते हैं, और उसमें आपका रोल भी अलग है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में एक पहले से एक रीत है, रीत और रिवाज है कि हर टूर पे एक नया मैनेजर, स्टेट एसोसिएशन अलग जाता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर जब हर चीज आप प्रोफेशनल कर रहे हैं तो इसको भी प्रोफेशनल एक जॉब कर देना चाहिए। हो सकता है आपकी बात जो निकली है
यही हो सकता है कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आगे चला हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बैटिंग कोच की बात कर रहे हैं, बैटिंग कोच की पहले बात आई, हो सकता है कि बैटिंग कोच ना हो, मैनेजर के तौर पर ही रवि शास्त्री हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है धर्मशाला में, आप पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लेट क्यों हो रही है, क्योंकि 5 बजे, और ये बीसीसीआई का जो हालिया बीसीसीआई है वो बड़ा डिसिप्लिन और पंक्चुअल है, अगर उन्होंने 5 बजे कहा है तो मतलब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन 5-5 मिनट करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे जा रही है। ये बताया गया था कि किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। रसेश जो मेरे सहयोगी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए हैं, आपको वहाँ की तस्वीर भी दिखा देते हैं। लेकिन ये मैनेजर वाली जो बात है, कहीं ना कहीं अगर आप ये करते हैं, ये वहाँ का मैदान है धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। अंशुमन भाई है, अंशुमन गायकवाड़, क्योंकि बोर्ड की आज मीटिंग भी थी ना, तो अंशुमन गायकवाड़ बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन कोच जी, आज कप्तानों की कोच और कोचेज और कप्तानों की उनका कॉन्क्लेव था, लेकिन आज सारा का सारा ध्यान जो है वो भारत के कोच को लेकर हो गया, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट कल होनी थी, लेकिन आज सुबह अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में कहा कि नहीं, आज शाम होते होते हम कोच का ऐलान कर देंगे। उसके बाद दिन भर में ये हुआ कि अनिल कुंबले हेड कोच होंगे और फिर रवि शास्त्री का नाम आया बैटिंग कोच, लेकिन एक सुझाव अभी आज तक पर चेतन जी ने दिया है कि आप दोनों को क्लैश मत कराएं, अगर रवि शास्त्री का इस्तेमाल करना है तो उनको प्रोफेशनल मैनेजर बनाएं। मैनेजर कौन होता है, जो कि आम तौर पर जो भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो स्टेट्स हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनका एक एक वोट होता है, तो रोटेशन पर टूर्स पर मैनेजर एक एक स्टेट से आ जाता है, अगर आप प्रोफेशनल कर देते हैं तो लोटा कमीशन वाले भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरा जो उसमें वो है और जो मैं देख रहा था उसमें ये हो रहा था कि प्लेयर जो हैं, जो ऐसे मैनेजर जो बन जाते हैं तो प्लेयर्स उनको बिल्कुल सीरियसली लेते नहीं, उनको पता है डेढ़ महीने के लिए रहने वाला, एक महीने डेढ़ महीने के लिए रहने वाला, इसके बाद फिर अपने, और फिर ऐसे जो लोग जाते हुए थे वो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मैं जब मैनेजर था 2001 में और जॉन राइट कोच थे, तो विक्रांत मैं उनको बोलता था कि यार मेरे को इनपुट देना, तो मैं कभी डायरेक्ट मीटिंग में नहीं बोलता था, मैंने कंपार्टमेंट बिल्कुल रखा हुआ था और मेरे क्रिकेट के अनुभव के हिसाब से मैं जॉन राइट को सुझाव दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, हालांकि ये बीसीसीआई की नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की है, विकास स्वरूप जो है वो मीडिया से बात कर रहे हैं। Whatever I had to say, I have said, you have heard what Prime Minister Modi told President Xi Jinping, that China must make a fair and objective assessment of India's application on its own merits and that China should join the emerging consensus in Seoul. Thank you all. अच्छा, वक्त जो है वो चेतन जी लगता जा रहा है, 5 बजे, फिर 5:30 बजे, किसी भी वक्त। रसेश जो मेरे सहयोगी हैं धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो नहीं रही। तो आपकी बड़ी खबर यही है जो कि शायद जिस पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोहर लग जाए, अनिल कुंबले हेड कोच और रवि शास्त्री बताया जा रहा है कि बैटिंग कोच होंगे। इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, तो सीधा धर्मशाला चलते हैं। रसेश मंडानी मेरे सहयोगी, जिन्होंने आज दोपहर को ये बड़ी खबर निकाली थी कि अनिल कुंबले हेड कोच होंगे और रवि शास्त्री बैटिंग कोच होंगे, लेकिन उससे बड़ी खबर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं रसेश, कि 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी 6:45 हो गए, कितना इंतजार और? देखिए, कुछ समय पहले विक्रांत बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द शुरू होनी है, अब तक नहीं हुई है। समझ में यह आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि अगर जिस तरह हमने बताया अनिल कुंबले और रवि शास्त्री दोनों को इकट्ठे काम करना है, तो उनका प्रोफाइल किस तरह का होगा, उन्हें किस तरह फ्रेस किया जाए, क्या रवि शास्त्री को एक बैटिंग कंसल्टेंट के रूप में पेश किया जाए, अनिल कुंबले एक हेड कोच होंगे, क्या वो दोनों इंडिविजुअल अपने डिपार्टमेंट जिम्मा संभालेंगे, किस तरह साथ में इंटरेक्ट करेंगे, क्या अरेंजमेंट होगी, इन बारीकियों पर शायद चर्चा हो रही हो, यही समझ में आ रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने सही का 5 बजे शुरुआत होनी थी, लेकिन अब ये इंतजार है बोर्ड प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर। आपने कहा कि हो सकता है प्रोफाइल तय किया जा रहा हो, रसेश थोड़ा पीछे जाए, क्योंकि आपने बताया कि हेड कोच अनिल कुंबले होंगे जो कि इस दौर में सबसे आगे चल रहे थे, क्या ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था कि यार चलो रवि शास्त्री ने भी 20 महीने का अच्छा टीम के साथ रहे, कुछ खिलाड़ी उनको चाहते हैं तो उनको खुश रखा जाए, उनको भी अकोमोडेट किया जाए, या ये टीम की जरूरत है? देख, न सिर्फ बोर्ड में बल्कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में भी एक राय ये थी कि रवि शास्त्री ने काम किया है, एक मुश्किल दौर पे टीम को संभाला है,
और वो भी एक जिम्मेदारी डिजर्व करते हैं। और साथ साथ सोच ये भी थी कि दोनों ही की प्रोफाइल बहुत ज्यादा है, चाहे उनकी कोचिंग सीरीज बहुत हैवी ना हो, लेकिन दोनों की अगर क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स की बात की तमाम कैंडिडेट्स में तो सबसे मजबूत नाम ये दोनों थे। तो ये दोनों अगले तीन साल अगले विश्व कप तक अपने आप को कमिट करना चाहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, और अगर वो इकट्ठे काम करने को तैयार है तो इस अरेंजमेंट में कोई बुरी बात नहीं है। जिस सोच को लेकर आगे बढ़े हैं, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का झुकाव अनिल कुंबले की तरफ जरूर था, लेकिन अगर वहां यूनैनिमिटी होती, अगर तीनों को ही ये लगता है कि अनिल कुंबले ही हेड कोच होंगे, तो मुझे लगता है इसमें और डिले की जरूरत भी ना पड़ती, शायद तभी रिकमेंडेशन चला जाता। एक और सवाल, रवि शास्त्री टीम के डायरेक्टर थे, यानी कि बॉस थे, 20 महीने बॉस थे, हेड कोच के लिए उन्होंने अप्लाई किया। कल को अगर अनिल कुंबले हेड कोच होते हैं और रवि शास्त्री को कहा जाता है कि आप बैटिंग कंसल्टेंट या फिर मैनेजर बन जाएं, क्या वो लेने को तैयार होंगे इस रोल को? देखिए यही सवाल हमने बोर्ड से भी जानने की कोशिश की कि अगर ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो क्या ये ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां अनिल कुंबले जो भारतीय क्रिकेट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, क्या वो रवि शास्त्री के अंडर काम करने को तैयार होंगे? तो हमें ये जानने मिला कि ये अरेंजमेंट नहीं होगी, बल्कि रवि शास्त्री अनिल कुंबले के अंडर काम करेंगे। अब इस अरेंजमेंट को लेकर रवि शास्त्री क्या पूरी तरह खुश है? अगर ये अरेंजमेंट सही है और ये जो हमें सूत्र बताते हैं कि यही अरेंजमेंट भारतीय क्रिकेट को अगले तीन साल में देखने मिलेगी, तो जाहिर है रवि ने अपनी इसमें जो हामी भरी होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो ये डीले हैं अनाउंसमेंट को लेकर, वे शायद इसी उन्हीं के जॉब प्रोफाइल को लेकर, इनकी बारीकियों को ठीक करने को लेकर हो। शुक्रिया फिलहाल रसेश, इंतजार तो हम कर रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो, पता चले, क्योंकि सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अनिल कुंबले कोच, हेड कोच, और रवि शास्त्री बैटिंग कंसल्टेंट, या फिर हो सकता है कि उसमें भी उनके रोल में कुछ बदलाव हो रहा हो, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिले हो सकता है।